कहानी की शुरुआत में हेनरी डे हार्डिमोन, जो कि एक बहुत अमीर ड्यूक है, अपने घोड़े को लेकर एक स्पा में जाता है उसे नहलाने के लिए, क्योंकि उसके घोड़ा बीमार था। यह कहानी 1870 से लेकर 1871 के बीच चलने वाली फ्रेंको प्रशियन वार के समय की है। जब वे उस स्पा में था, उसे ये पता चला कि फ्रांस अपने ही जमीन पर जर्मनी के खिलाफ युद्ध में हार गया था। वो इस बात को हजम नहीं कर पाया और इमोशनल होकर फ्रांस के सेना में भर्ती होने के लिए चला गया। आर्मी ज्वाइन करने के बाद नवंबर 1870 में जब वे और उनका यूनिट पेरिस के ओर जा रहा था, तब उन्होंने एक पब में रात गुजारने का सोचा। ये पब की दीवारें पार्शियल डैमेज्ड भी थी और दीवारों पर खून के निशान भी थे। जब हेनरी वहां पर बैठा हुआ था, उसे भूख लगा और वो अपने बैग से एक ब्रेड निकालकर खाने लगा। ये ब्रेड उन्हें फ्रेंच आर्मी की तरफ से मिलता था, जो उसे पसंद नहीं आया और उसने उस ब्रेड को जमीन पर फेंक दिया। वो सोचने लगा किस तरह वे आर्मी ज्वाइन करने से पहले अपना जीवन व्यतीत करता था और अच्छा अच्छा खाना खाता था। पर जैसे ही उसने उस ब्रेड को जमीन पर फेंका, एक और सैनिक उसे जमीन से उठाया और खाने लगा। यह सैनिक देखने में बीमार लग रहा था और वो बहुत दुबला पतला था। उस सैनिक को देखकर हेनरी को बहुत दुख हुआ और अपने व्यवहार के लिए उसने जाकर उनसे माफी मांगा। पर वह सैनिक, जिसका नाम विक्टर था, हेनरी से कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने हेनरी से कहा कि वो अपने पूरे जिंदगी भर भूखा रहा है और शायद भूखा ही रहेगा। उसने एक्सप्लेन किया कि वे रिसेंटली हॉस्पिटल से रिलीज होकर आया है, क्योंकि एक युद्ध के दौरान वे इंजर्ड हो गए थे और जब उसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, तब उसे अच्छा खाना मिलता था। विक्टर तब अपनी पूरी जिंदगी के बारे में हेनरी को बताने लगा, उनके बचपन के किस्से और कैसे उन्होंने अपने बचपन एक एजाइलम में गुजारा था, जहां एक सिस्टर उनकी देखभाल करती थी, जो बाद में एक लंग के डिजीज के कारण मर गई थी। विक्टर उस सिस्टर का फेवरेट था। जब उसका उम्र 12 साल हुआ, तब उसे एक चेयर रिपेयर करने वाले के साथ अप्रेंटिस के हिसाब से नौकरी मिली। पर उस नौकरी के दौरान जो वे दूसरे दो लड़कों के साथ करता था, उसे कभी ठीक ठाक खाना नहीं मिला। उसके बाद विक्टर ने कई अलग अलग नौकरियां की और जब उसका उम्र 18 साल हुआ, तो उसने फ्रेंच आर्मी ज्वाइन कर ली, लेकिन उसे कभी भी किसी भी काम में ठीक ठाक खाना नहीं मिला। विक्टर की कहानी सुनकर हेनरी को बहुत दुख हुआ और उसने विक्टर के साथ अपनी ब्रेंडी और राशन शेयर किया और इसी के साथ वे दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। हेनरी ने विक्टर को यह वादा भी किया कि जब वे दोनों आर्मी से निकल जाएंगे, तो हेनरी उसका मदद करेगा। एक रात जब रेजिमेंट के सभी सोल्जर सोए हुए थे, उसी समय उनके ऑफिसर इन कमांड वहां आते हैं और कहते हैं कि आधे सोल्जर ड्यूटी में जाए, क्योंकि आसपास जर्मन सेना हो सकते हैं। उसने नाम लेकर सैनिकों को बुलाया, जिसपे हेनरी का नाम भी था, लेकिन हेनरी कमांडर का बात नहीं सुन पाया क्योंकि वे सो रहे थे। विक्टर का नाम उस लिस्ट में नहीं था, लेकिन क्योंकि हेनरी सो रहा था, विक्टर ने कमांडर से कहा कि वे हेनरी की जगह ड्यूटी में जाएंगे। आधी रात में जितने लोग सोए हुए थे, गोलियों की आवाज सुनकर सबकी नींद खुल गई। हेनरी को ये एहसास हुआ कि वे सोया हुआ था, जबकि उसे ड्यूटी में होना चाहिए था। उसी वक्त किसी ने उसे ये बताया कि उसकी जगह विक्टर ड्यूटी में चला गया। उसके कुछ देर बाद एक सैनिक दौड़कर कुल की तरफ आया और ये बताया कि जर्मन्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है और सभी सैनिक पीछे हट रहे हैं सिवाय विक्टर के, जिसके कारण विक्टर की मौत हो गई थी। उसके कुछ साल बाद जब हेनरी आर्मी से रिटायर हो गया था और पहले की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा था, एक रात अपने एक दोस्त के साथ एक क्लब से चलकर अपने घर जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद हेनरी के पैर के सामने एक बड़ा सा ब्रेड लुढ़क कर उसके पैर से टकराया। उस ब्रेड को देखकर हेनरी को अपने दोस्त विक्टर की याद आ गई, जिसने उसके लिए अपनी जान दे दी थी। हेनरी ने बहुत ही सावधानी से उस ब्रेड को उठाया, उसे साफ किया और एक बेंच के ऊपर रोशनी के नीचे रख दिया। हेनरी के इस व्यवहार को देखकर उसका दोस्त बहुत ही अचंभित हो गया और उससे कहा कि शायद वे पागल हो गए हैं। पर हेनरी ने जवाब दिया कि उसने यह अपने दोस्त के लिए किया है और कोई इसे देखकर हंसे, यह बात उसे पसंद नहीं है।